नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नायडू। आप देख रहे हो एन जे एडवाइस चैनल। दोस्तों हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पेन ड्राइव बूटेबल के बारे में। हाँ गाइस, अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है सीडी ड्राइव का, अगर आप यहां से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपना सीडी ड्राइव से फॉर्मेट करने के लिए, तो मैं आज आपको एक बेस्ट तरीका बताऊँगा अपना पेन ड्राइव से आप जो है फॉर्मेट कर सकते हो अपना सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर। हाँ गाइस, तो इसके पहले आपको एक चीज़ पे आपको जो है फोकस देना है। पहले चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप सीडी से कॉपी करके आप पेन ड्राइव में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं और बाद में जब फॉर्मेटिंग इसको करते हैं तो आपको उस टाइम पर आपको जो है प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर एक गलती सारे ज़्यादा मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऐसा चीज़ करते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है गाइस। आपको पहले अपना पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। ओके, सो कैसे जो बूटेबल बनाना है, बूटेबल बनाने के बाद आप जो है आप फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो मैं आज आपको डिटेल जो है इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ इसके बारे में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, हम वीडियो की तरफ चलते हैं और वहाँ पर आपको मैं जो है डिटेल्स बताऊँगा। सो गाइस, रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम स्क्रीन पे लैपटॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको जो है गूगल क्रोम पे जाना है। यहाँ पे आपको टैब न्यू टैब में चले जाना है और न्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है नेवी क्रोप आपको यहाँ पे टाइप करना है। ओके, देखिए मैं आपको सामने यहाँ पे जो टाइप कर रहा हूँ उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ जो स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर जो आपको दिखाई दे रहा है विन टू फ्लैश नेवी क्रोप, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करने के बाद आपको जो है ये फाइल हिपो साइट पे आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो डाउनलोड एप्लीकेशन है आपको मिल जाएगा। ये टोटली जो है 9 MB का एप्लीकेशन है, इसको आप इजीली जो डाउनलोड कर दीजिएगा यहाँ से। ये डाउनलोड होने के बाद आपको इसको क्या है इंस्टॉल करना है। मेरा ये एप्लीकेशन का पहले से मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, बस आपको मैं दिखाया इसका प्रोसीजर कैसे आपको डाउनलोड करना है। अभी मैं इसको अभी जो मेरा पहले फाइल जो है उससे मैं अभी इंस्टॉल इसको मैं करूँगा। तो पहले हम इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे फाइल पे, अभी इसको डबल क्लिक करके आपको रन कर देना है। ओके, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे रन करते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है और ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पर। तो उसके बाद आपको फिर फिनिश के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश के ऊपर क्लिक करते हो तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ओके, आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे कुछ आपको एक्सेप्ट करके आपको फ्री लाइसेंस के ऊपर आपको क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ये कुछ टाइम लेगा। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे आप देख पा रहे होंगे विंडोज सेटअप, विंडोज सेटअप के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। ये जैसे इसका स्टार्ट प्रोसेस चल रहा है तो इसको ऊपर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस आपको विंडोज सेटअप बूटेबल, ओके, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑलवेज स्टार्ट विजर्ड मोड पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फाइल लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों आप इसके पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका जो सिस्टम पे आपको पेन ड्राइव लगना चाहिए और आपका सीडी भी इसमें आपका इंसर्ट रहना चाहिए। अगर ये दो चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर मैं अभी सीडी में यहाँ पे डाल रहा हूँ और मेरा ऑलरेडी जो है पेन ड्राइव मेरा लगा हुआ है और अभी मैं यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मेरा जो सीडी ड्राइव फाइल में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो है बताता हूँ, यहाँ से मैं चले जाता हूँ डीवीडी रॉ ड्राइव। ओके, यहाँ पे मैं जैसे फाइल को यहाँ पर चूज़ कर लिया, उसके बाद
आपको नीचे आ जाना है, नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है यूएसबी ड्राइव मेरा 16 GB का जो पेन ड्राइव था ऑटोमेटिक ले लिया है, अभी यहाँ पे मेरा नहीं हो रहा है। आपको नेक्स्ट टाइम फिर से इसको सेम प्रोसेसर करना है, अगर कुछ इशू आ जाता है बीच बीच में। अभी देख पा रहे होंगे मेरा डायरेक्ट ये ले लिया दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है बैक ले लेना है और आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, एक्सेप्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे कुछ दोस्तों ये टाइम लेगा बूटेबल, आपका जो यूएसबी यानी पेन ड्राइव बूटेबल होने के लिए ये थोड़ा टाइम आपके यहाँ पे मिनिमम 15 to 20 मिनट्स जो है यहाँ पे टाइम लेगा। सो ये जैसे ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो आपका जो है पेन ड्राइव बूटेबल का प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप पेन ड्राइव को लेके अपना पीसी या लैपटॉप में आप जो है फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर सकते हो। और कुछ भी कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। कुछ भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट कर सकते हो। और मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन का आप मुझे पूछ सकते हो वहाँ पे। सो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।